सभी मीडिया बंधुओं को नए साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नया साल का ये अवसर है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि युवा प्रकोष्ठ मैंने कुछ दिन पहले भंग किया था और आज प्रदेश कार्य समिति की पहली इकाई की बैठक है और पहला विस्तार है हमारा। सारे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो भी युवा के पदाधिकारीगण हैं, आज पहला प्रदेश का कार्य समिति का हमारा विस्तार हुआ है। हेलो, जिसमें कुल 11 प्रदेश उपाध्यक्ष, 21 प्रदेश महासचिव और 28 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति हुई है। अगला जो विस्तार हमारा होगा युवाओं का, प्रदेश कार्य समिति का, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपने चिट्ठी में पत्र में भी लिखा हूं कि 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच अगला विस्तार करूंगा। एक कुछ दिन पहले मैंने पत्र जारी किया था, सारे मीडिया बंधुओं को भी भिजवाया था, ये खबर भी छपी थी कि युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेतृत्व में एक नारा लेकर के बिहार के तमाम जिलों में यात्रा पे निकलेगी 26 जनवरी से। नारा का नाम था हमारा एक एक बूथ एलजेपी यूथ। चूंकि कोविड का गाइडलाइन देखते हुए हो सके यात्रा को कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार के तमाम जिलों में भ्रमण करेगी और युवाओं को एकत्रित करेगी। मैं दावों के साथ कह सकता हूं कि एकमात्र पार्टी बिहार में हमारी ऐसी है, आप देख लीजिए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है, प्रदेश अध्यक्ष युवा है, प्रधान महासचिव युवा है, युवा के प्रदेश अध्यक्ष युवा है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष युवा है, ऊपर से नीचे सिर्फ युवा है। तो जब युवाओं का इतना बड़ा फौज जिस पार्टी में है तो वो पूरे बिहार में युवाओं का हित सोचता है। आज 16 साल में आप देख लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया। मैं युवा हूं, किसी युवा से मिलता हूं, मुझे देखने को कष्ट होता है कि भाई उसके पास डिग्री एमबीए का है लेकिन आज तक उसको नौकरी नहीं मिल पाया। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको याद होगा कि लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कि युवा आयोग का गठन हो, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा मैनिफेस्टो बिहार फर्स्ट सारे मुद्दों को लेकर के युवा ब्रिगेड 3800 जिला सभी प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक जाएगी और चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का उद्देश्य विचार हर एक युवा को अवगत कराएगी। आगामी 26 जनवरी को जो यात्रा जा रहा है, कोविड गाइडलाइन क्या आ रहा है उसको देख करके आप लोगों को अगला ब्रीफ कर दिया जाएगा। आज का ये जो बैठक था, ये पहला प्रदेश कार्य समिति का विस्तार का विस्तारीकरण का था, जिसमें 11 उपाध्यक्ष, 21 प्रधान प्रदेश महासचिव और 28 महासचिवों की नियुक्ति की गई है। धन्यवाद। अगर और कुछ मीडिया बंधुओं को पूछना है तो